बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। दोस्तों चारों तरफ ऐसा माहौल बन चुका है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को लेकर काफ़ी लोग इसको अभी खेल रहे होंगे और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन तो यहाँ पे अभी एक शॉकिंग यानी कि एक सनसनीखेज खबर आई है इसके डाटा को लेकर। तो भाई डेटा जो है वो चाइनीज़ वेबसाइट पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि दोबारा डाटा चाइना के पास जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी जीवन के एक और एपिसोड में। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आने के बाद यानी कि पबजी बैन होने के बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हमारे प्लेयर्स के लिए एक उम्मीद बची थी। लेकिन उस टाइम जब लॉन्च करने की बारी थी तो क्राफ्टन ने कहा था कि डेटा जो है वो सिंगापुर और इंडिया में सेव करना पड़ेगा, यानी कि होगा तो वहीं सेव, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और कंट्री में भी सेव हो सकता है। तो भाई जस्ट गेम आते ही यानी कि अभी गेम आई भी नहीं सही तरीके से, 2-3 दिन हुए हैं अर्ली एक्सेस को आए हुए, और यहाँ पर IGN की एक रिपोर्ट निकल कर आती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एंड्रॉयड डेटा सेंड टू चाइना सर्वर, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेटर टू बी प्रिसाइज बाय ऋषि अलवानी। इन्होंने जो है वो पूरी गुत्थी खोल के रख दी है इस डाटा ट्रांसफ़र को लेकर। इनके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने एक स्निफर नाम के पैकेट को यूज़ किया। यार इस स्निफर ऐप का काम ये है कि जो डेटा पैकेट्स है वो किस जगह पे सेंड हो रहे हैं, उसका IP एड्रेस क्या है, वो यूज़र को बता देता है। इन्होंने यहाँ पर एक पूरा गेम खेला जिसके बाद एक रिपोर्ट निकल कर आई, यानी कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा आपको क्लियरली कि जो IP एड्रेस है वो बीजिंग चाइना से आ रहा है, यानी कि टेंसेंट गेम्स भैया वही है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, और जिस टाइम गेम बूट होता है वहाँ पे आपको दिखेगा टेंसेंट गेम्स लिखा हुआ, HTTPS टेंसेंट गेम्स। भाई ये पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ो इसको। और इससे भी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जो जॉइंट कमेटी डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत बनाई गई थी 2019 में, जिसकी चेयरपर्सन थी श्रीमती मीनाक्षी जी, तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि वो इस पर कार्रवाई कड़ी कर सकते हैं, यानी कि मुद्दे को वो पार्लियामेंट भी लेके जा सकते हैं और शायद पिछली बार की तरह दोबारा बैन ना हो जाए कहीं ये। तो भाई ये जो लेटर है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, तो उसमें भी यही लिखा है कि इसको बैन कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्राफ्टन को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। हालांकि उसने IGN को जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर वो जवाब नहीं देंगे तो शायद इंडियन गवर्नमेंट इसको दोबारा बैन कर दे। तो भाई क्राफ्टन वालों को इतना क्या प्यार है चाइना वालों से, भाई इंडिया वालों को धोखा देके आप इंडिया का पैसा चाइना बेच के चाइना वाले इंडिया पे दोबारा अटैक करते हैं, भाई क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में यार? क्यों ज़रूरत है चाइना की? इंडिया में इतने सारे बेस्ट गेमर्स हैं, गेम प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनकी हेल्प लो ना, चाइना में क्या रखा है? भाई कई फैन फॉलोइंग्स ने तो ये भी ट्वीट किया कि जो न्यूज़ है गलत है, लेकिन जब तक इसको वेरीफाई नहीं किया जाता ना हम इसको गलत कह सकते हैं और ना ही हम इसको सही कह सकते हैं। तो यार पबजी के लवर्स के लिए एक आखिरी उम्मीद थी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, और उसमें भी ऐसा पंगा जिसका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। यार ऐसा क्यों किया जाता है हर बार? तो यार ये बात जो है वो गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ स्टेप्स लिए जाएंगे और चेक किया जाएगा क्या सही है क्या गलत। तो भाई देखने की बात ये है कि अब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये पब्लिकली इंस्टॉल होने के लिए अवेलेबल होगी या अर्ली एक्सेस भी जल्दी से बंद कर दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसका क्या होने वाला है, यानी कि इस पर क्या डिसीजन आएगा। पबजी बैन तो हो चुकी है, लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का क्या होगा? क्या वो दोबारा रीलॉन्च होगी, बैन होगी, या अर्ली एक्सेस से ये इंस्टॉल पर पहुँच जाएगी सीधा? तो भाई जो क्राफ्टन की तरफ से प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, गेम कैसे खेलनी है, क्या क्या हो सकता है अकाउंट बैन को लेकर, और कैसे इस गेम को इंस्टॉल करना है, कैसे अर्ली एक्सेस में जाके आप इस गेम का मज़ा ले सकते हैं, अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हैं तो साइड पे वो वीडियो आ रही होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोज़ रोज़ रोज़ आती रहेंगी। तो दोस्तों टिल देन गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।